टैली हमारा एक बेसिकली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें हम जो हमारा आर्थिक डेटा है उसकी रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे कि एक आंसर दिया था कि आर्थिक जो हमारा डेटा है, जो जो काम हम मैन्युअली करते हैं उसको हम टैली में, जो अकाउंट्स वगैरह को मेंटेन रखना जिसे बोलते हैं, कि हम हमारे व्यवसाय की, हमारे बिजनेस की सारी डिटेल्स रख सके, टैली के अंदर हम रखते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे पास सारा डेटा रहता है और उसे हम कभी भी देख सकते हैं, सालों साल बाद भी, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में एक छोटे से स्पेस में, पेन ड्राइव में काफी सारा डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो टैली का भी हम सालों साल की एंट्रीज देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, प्लस हमारा जो स्टॉक वगैरह मेंटेन करने के लिए काफी बेनिफिट है। मैंने कल आपको डिटेल में बताए थे, आज हम टैली में जो काम करने के, जो मैंने आपको बताया था कि टैली एक सिस्टम में काम करती है, उसका काम करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। तो हम आज मैं स्लाइड शेयर करती हूँ, तो हम टॉपिक्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। टैली के कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें हम, मतलब जिसे हम बोलते हैं ना कि जैसे बेस होता है, जैसे इंग्लिश अगर हमें सीखनी है तो पहले हमें ABCD सीखनी होती है, ठीक है। तो वो है कि ये हमारा बेस है टैली का, तो हमें इसको सीखना होता है तो हम ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है टैली में, वो है हमारा कैपिटल। कैपिटल यानी पूंजी। तो आप में से कोई बताएंगे कैपिटल क्या होती है, किसी को कोई आइडिया है? मैम, कैपिटल बोलते जो हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी हम लगाते हैं, वो चाहे हम एक पूंजी के रूप में, जो हम पैसों के रूप में भी लगा सकते हैं, या फिर कोई मशीनरी के, उसमें मैम वो कुछ भी हो सकता है कैपिटल में, जो हम अपना ऑफकोर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं। हाँ, और कोई कैपिटल के बारे में कुछ बताएंगे? और कोई मिस कैपिटल बिजनेस में यूज होता है। कैपिटल बिजनेस में यूज होता है? मैम, जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस में, जो पूंजी लगाते हैं उसे कैपिटल कहते हैं। मैम, बिजनेस की स्टार्टिंग में जो हम इसमें मनी यूज करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। द अमाउंट और एसेट व्हिच इज यूज्ड टू स्टार्ट द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। आप सभी का आंसर सही है। वो पूंजी या संपत्ति या माल जिससे हम हमारे व्यवसाय को शुरू करते हैं, या जिसे बोल सकते हैं कि जिसे लगाकर हम अपने व्यवसाय को खड़ा करते हैं। जिसे हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यवसाय शुरू करने में पैसे तो फर्स्ट इन्वेस्ट होते ही होते हैं, पूंजी लगती है, प्लस क्या होगा, आप माल भी लाएंगे तो आपका गुड्स भी लगेगा, आप फर्नीचर वगैरह भी खरीदेंगे तो आपका फर्नीचर यानी आपका संपत्ति हो चुकी है। तो जैसे देखो, हम ये लैंग्वेज पढ़ते हैं, व्यवसायी यानी स्वामी, जो हमारी जो कंपनी का जो ओनर होगा, व्यवसाय का ओनर, द्वारा व्यवसाय में विनियोजित धन ही पूंजी है, ठीक है। जो धन हम विनियोजित धन जो होगा वो हमारा पूंजी यानी हमारी कैपिटल कहलाएगी। इसे संपत्ति का बाह्य दायित्वों पर आधिक्य भी कहा जाता है। व्यवसायी या स्वामी से आशय एकाकी व्यापार में स्वयं व्यापारी से है, जबकि साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझी तथा कंपनी के प्रत्येक अंशदारी से है। लाभों से पूंजी में वृद्धि तथा हानियों एवं आहरण में कमी, आहरण से कमी आती है, ठीक है। तो देखो, हम सभी जानते हैं कि व्यवसाय दो प्रकार के, फर्म जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक हमारा होता है एकाकी व्यापार, एक होता है साझेदारी व्यापार। तो एकाकी व्यापार क्या होता है कि एक व्यक्ति जिसे चलाता है, ठीक है, जिसका सिर्फ एक ओनर होता है। और एक साझेदारी फर्म, आपने सुना होगा, पार्टनर्स होते हैं, पार्टनरशिप में जो बिजनेस शुरू होता है जिसके एक से अधिक ओनर होते हैं। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू होता है तो इक्वल शेयर से वो लोग, मतलब एक इक्वल अमाउंट से, जैसे मान लो 5 पार्टनर्स ने मिलकर 1-1 लाख रुपए लगाकर 5 लाख रुपए से एक व्यवसाय शुरू किया, तो वो क्या एक साझेदारी फर्म कहलाएगी। यानी पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप वाला बिजनेस होगा वो, कि इसमें पार्टनर्स होते हैं, तो उसमें क्या 5 ओनर होते हैं उस कंपनी के, ठीक है।
तो उसमें अगर लाभ होता है तो उन पांचों में इक्वली बांटा जाएगा, और अगर हानि भी होती है तो वो पांचों उसे इक्वली वहन करते हैं। लेकिन जो एकाकी व्यापार होता है उसमें क्या होता है, एकाकी व्यापार में एक ही तो लाभ को लाभ वहन करेगा, वह हानि भी एक ही वहन करता है, क्योंकि कंपनी का ओनर एक ही होता है। तो इसमें कैपिटल की, अगर एकाकी व्यापार है तो एक व्यक्ति द्वारा कैपिटल लगाई जाएगी, और अगर साझेदारी व्यापार है तो उसमें अलग अलग व्यक्तियों द्वारा कैपिटल लगाई जाती है। ठीक है, पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप साझेदारी से तो वर्ड से ही समझ में आता है कि एक से अधिक लोग जो अपने पैसों को साझा करके एक साझेदारी तैयार करते हैं और एक व्यवसाय को शुरू करते हैं, वो हमारी साझेदारी फर्म कहलाती है। ठीक है, तो कैपिटल का ये है कि आप जिसे लगाकर अपना व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, वो पूंजी भी हो सकती है, वो संपत्ति भी हो सकती है, और वो माल भी हो सकता है। इन तीनों को हम कैपिटल में काउंट करेंगे। अगर एंट्री हमारे पास ऐसे आती है कि मान लो 1,00,000 रुपए या 1,00,000 रुपए, 10,000 का माल व 20,000 का फर्नीचर से हमने व्यवसाय स्टार्ट किया, तो हम उन तीनों को कैपिटल में ही काउंट करेंगे कि इन तीनों को, कि ये हमारा जो स्टार्टिंग में जो हमारी जो लगाई गई है पूंजी, व्यवसाय में संपत्ति जो लगाई गई है, वो सब हमारी कैपिटल के अंडर आती है। कैपिटल हमारी जो टैली में काम करने की, व्यवसाय में काम करने की पहली एंट्री कैपिटल की ही होती है। वो इसलिए कैसे होती है कि अगर आप पैसे लगाएंगे, व्यवसाय शुरू करेंगे, तभी तो आपके व्यवसाय में आप आगे सेल, परचेज, पेमेंट जो भी आप करना चाहते हैं वो आगे जाकर ही होंगी। पहले आपको सबसे पहले व्यवसाय शुरू करना पड़ेगा, तो पहली एंट्री कैपिटल की होती है। क्या, ठीक है, कैपिटल हमने लगाई, अब कैपिटल में धन है, व्यवसाय है, वो संपत्ति है, फर्नीचर है, जो भी है, सबको लगा के जो हम व्यवसाय शुरू करते हैं, तो पहली एंट्री हमारी कैपिटल की होती है। ठीक है, तो साझेदारी फर्म और एकाकी फर्म में होप सो आपका कोई डाउट नहीं होगा। एक से अधिक साझेदार जो मिलकर चलाते हैं फर्म, वो हमारी साझेदारी फर्म होती है, और एक व्यक्ति द्वारा जो फर्म चलाई जाती है, जिसका सिर्फ एक ओनर होता है, एक व्यापारी होता है, वो एकाकी फर्म कहलाती है। ठीक है, एकाकी फर्म में एक व्यक्ति द्वारा ही कैपिटल लगाई जाती है, और साझेदारी फर्म में एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा कैपिटल लगाई जाती है, पूंजी लगाई जाती है, और उसका लाभ और हानि वो सभी इक्वली वहन करते हैं। जबकि एकाकी फर्म में क्या होता है कि एकाकी व्यापार में लाभ भी और हानि भी एक व्यक्ति वह स्वयं ही वहन करता है, जो उस कंपनी का ओनर होता है, व्यापारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रॉइंग, आहरण। कोई बताएगा इसके बारे में कुछ, किसी को कोई आइडिया है ड्रॉइंग क्या होती है? पर्सनल यूज के लिए कोई भी, मतलब बिजनेस में से मनी यूज करते या फिर एसेट्स यूज करते हैं, उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। ड्रॉइंग आहरण होता है। ठीक है, स्वामी द्वारा, यानी जो कंपनी का ओनर है, जिसकी कंपनी है, जिसका व्यवसाय है, उसका निजी कार्य हेतु व्यवसाय में नगद संपत्ति या माल को उपयोग में लेना आहरण कहा जाता है। आहरण से सदैव पूंजी में कमी आती है। यदि व्यवसाय के धन से निजी व्यय का भुगतान किया जाता है तो यह भी आहरण माना जाएगा। ठीक है, स्वामी द्वारा यानी कंपनी का जो ओनर है, उसके द्वारा अगर कंपनी की मनी, यानी कंपनी में जो मनी होती है, हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, हमारी जो हमारी कैपिटल है, अगर वो उसका यूज करता है, उसमें से पैसे निकालते हैं, या संपत्ति क्या हो सकती है, जैसे मान लो हमारा कोई, हमने कोई असेट्स खरीदी है हमारी, ठीक है, जैसे हमारा फर्नीचर हो गया, लैपटॉप हो गया, या हमने कंपनी के यूज के लिए फोन वगैरह खरीदे हैं, एसी है, पंखे, ये सब क्या होते हैं, ये संपत्ति होती है। अगर ये सब आप व्यवसाय के यूज के लिए खरीद रहे हैं तो ये व्यवसाय की संपत्ति होती है। ठीक है, तो अगर वो इनका यूज, या माल, मान लो हमारा जो माल है, हमारा मान लो कपड़ों का बिजनेस है, ठीक है, तो अगर वो उनका यूज करता है, या अगर हमारा किसी और चीज का बिजनेस है, तो अगर वो उस माल का अपने पर्सनल यूज के लिए अगर वो यूज करते हैं तो वो ड्रॉइंग कहलाएगी। ड्रॉइंग से हमेशा पूंजी में कमी आती है। सीधी सी बात पे, अगर कैपिटल में से आप पैसे निकाल रहे हैं, अगर हम नॉर्मली अगर व्यवसाय के काम के लिए निकालेंगे तो कहीं ना कहीं उसका यूज हो जाएगा,
ठीक है, कैसे? मान लो हमने कंपनी से पैसे निकाले माल खरीदने के लिए, परचेज के लिए, ठीक है, तो हमने माल खरीद लिया, कल को जब वो माल बिकेगा तो हमारे पैसे वापस आ जाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट ऐड होकर आएंगे। जैसे ड्राइंग में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी अभी, आहरण से क्या होता है, सदैव पूंजी में कमी आती है। कैसे कि मान लो अगर हमारी जो मनी है, कैपिटल है, उसमें से अगर हम कुछ पैसे निकाल लेते हैं, यूज करते हैं, तो सीधी सी बात है कि मनी में कमी आएगी। लेकिन अगर वो हम बिजनेस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मान लो हमने माल खरीदा, परचेज कर लिया, लेकिन फिर जब सेल होगी तो हमारे पास हमारा पैसा वापस आ जाएगा, प्लस उसमें प्रॉफिट ऐड होकर भी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम आहरण करते हैं, अगर वो यूज कर लेते हैं कंपनी के ओनर, तो वो पैसे रिटर्न नहीं आते, तो वो हमारे लॉस में, एक्सपेंसेस में काउंट हो जाता है। ड्रॉइंग एक्सपेंस ही होता है एक तरह से, हमारे लिए खर्चा है हमारा, कि वो पैसे जो हमारे लग रहे हैं उससे, एक तो देखो अगर हम हमारा कोई बिल पे कर रहे हैं तो हम कंपनी की एक लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर हम कोई असेट्स खरीद रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो हम कंपनी के असेट्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, माल खरीद रहे हैं तो गुड्स स्टॉक बढ़ रहा है। लेकिन जो ड्रॉइंग होता है उसमें कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं होता है, उसमें से क्या होता है, पैसे तो जा रहे हैं बट बदले में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ना तो हमारी कोई लायबिलिटी कम हो रही है। मान लो हम किसी को अगर पेमेंट कर देते हैं, बेशक पैसे कम हो रहे हैं बट हमारी लायबिलिटीज भी तो कम हो जाती है ना। असेट्स खरीदते हैं हम तो हमारी संपत्ति बढ़ती है, माल खरीदते हैं तो स्टॉक बढ़ता है, बट ड्रॉइंग में क्या होता है, माल, संपत्तियां, हमारी नगद का सिर्फ यूज होता है, उसके बदले में हमें कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो ड्रॉइंग एक तरह से हमारे लिए हानि के रूप में होता है, हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो देखो क्या है कि धन से निजी व्यय का भुगतान किया जाता है। निजी व्यय का, जैसे मान लो कैपिटल में से पैसे निकालकर घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दिया हो, या घर की कोई इंश्योरेंस वगैरह हो उनका पे कर दिया हो, या कोई इंस्टॉलमेंट, उनकी जो पर्सनल इंस्टॉलमेंट चल रही हो आपने वो पे कर दी हो, एक आपने व्यवसाय पे अगर कोई लोन लिया है आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो आप उसे ड्रॉइंग में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने घर में अपने पर्सनल यूज के लिए, मान लो आपने कार ले रखी है लोन पे, ठीक है, आपने उसकी इंस्टॉलमेंट भरी है, तो वो ड्रॉइंग में काउंट होगी, ठीक है। अगर पर्सनल यूज के लिए तो कुछ भी अगर आप खरीद रहे हैं, ठीक है, सिर्फ यही नहीं, अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, आप माल खरीद रहे हैं, आप कार खरीद रहे हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं, या अगर आप कोई पैसा बैंक से निकाल रहे हैं, जहां पर्सनल यूज है वहां ड्रॉइंग आएगा। पर्सनल यूज पूरे टैली में ड्रॉइंग के नाम से दिखाई देगा, अगर वो फर्नीचर है तो भी ड्रॉइंग, अगर माल है तो भी ड्रॉइंग, और अगर हमारी कोई पूंजी है तो भी वो ड्रॉइंग के नाम से ही शो होगा। ड्रॉइंग जहां पर्सनल यूज आएगा वहां ड्रॉइंग यूज होगा, ठीक है। तो कैपिटल और ड्रॉइंग में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? देखिए कैपिटल तो हमारी पूंजी है, ठीक है, पूंजी जिससे हम व्यवसाय शुरू करते हैं। अब उसमें क्या माल भी हो सकता है, हमारी संपत्ति भी हो सकती है, और मनी भी हो सकती है, कैश भी हो सकता है, ठीक है। ड्रॉइंग सीधी सी बात है कि अगर कंपनी का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है व्यवसाय से, या फिर संपत्ति का यूज करता है, या माल का यूज करता है, तो वो सबकी सब ड्रॉइंग में काउंट होंगी, ठीक है। और इससे हमेशा धन, हमारी जो कैपिटल है, संपत्ति है, उसमें कमी आती है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारी असेट्स, संपत्तियां। असेट्स के बारे में हम सभी जानते हैं, आप बताइए क्या होती हैं असेट्स? मैम असेट्स वो होती हैं जो हम अपनी कंपनी में लगाते हैं, एक तरह से ये हमारी हमारे बिजनेस को चलाने में हमारी मदद करती है। असेट्स टेंजिबल इंटेंजिबल होती हैं। एक टेंजिबल जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कि लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, एंड इनटेंजिबल जिन्हें हम छू नहीं सकते, लेकिन उनका इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस में काफी इफेक्ट पड़ता है और हमारे प्रॉफिट को बढ़ाने में ही वो हमारी मदद करता है इनटेंजिबल असेट्स। करंट असेट्स वो होती हैं जो हमारी विद इन वन ईयर जिसमें जो होती है हमारी, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, तो स्टॉक्स हम अब दो चार साल तक तो हम नहीं रख सकते, वो उन स्टॉक्स को हम कुछ टाइम में, कुछ महीने में हम उनको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी करंट होगी। और फिक्स असेट्स हमारी वो हो गई जैसे कि लैंड होगी। अब हमने एक बार बिजनेस स्टार्ट कर लिया है तो इसके बाद ये नहीं है कि अब हमने अपना प्लांट लगा लिया, ये नहीं है कि हम कुछ महीने बाद या साल भर बाद हम उसको हम चेंज करेंगे, तो वो हमारे बहुत सालों तक हमारी चलेगी, वो फिक्स्ड होगी। लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, दैट्स ऑल आर इंक्लूडिंग इन फिक्स्ड असेट्स। ओके, और कोई स्टूडेंट?
और कोई असेट्स के बारे में बताएंगे? ठीक है, तो असेट्स हमारे व्यवसाय में विद्यमान मूर्त या अमूर्त अधिकार जिनका व्यवसाय के स्वामियों के लिए आर्थिक मूल्य हो, आर्थिक मूल्य हो अर्थात वे धन का वह स्रोत है जो सदैव लाभ प्रदान करते हैं। देखो हम कंपनी में संपत्तियां, सेट्स का मतलब होता है संपत्तियां, हम संपत्तियां क्यों खरीदते हैं? हमारा व्यवसाय में लाभ बढ़ाने के लिए, धन बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये हमें धन का स्रोत कहलाते हैं संपत्तियां, ठीक है, सदैव लाभ प्रदान करती है। संपत्तियों के चार प्रकार होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल, करंट और फिक्स्ड, दृश्य, अदृश्य, चल और अचल, ठीक है। तो असेट्स हमारी संपत्तियां कहलाती है। संपत्तियां कौन कौन सी होती हैं? देखिए सब संपत्तियां ही हैं, लैंड बिल्डिंग है, ठीक है, अगर लैपटॉप फोन हो गया, या फिर जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फिटिंग हो चुकी है, एसी है, अगर आपने पंखे वगैरह लगवा रखे हैं, जो भी चीजें हैं आपकी, वो सब आपकी जो संपत्तियां हैं जिनका आपके लिए आर्थिक मूल्य है, आर्थिक स्वरूप है, वो आपके असेट्स कहलाती हैं, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट है जैसे टेंजिबल असेट्स, ठीक है, ऐसी संपत्तियां जिनका भौतिक स्वरूप हो, जिन्हें देखा छुआ एवं पहचाना जा सकता हो, दृश्य या मूर्त संपत्तियां कही जाती है, यानी ऐसी असेट्स जिसको आप देख छू व पहचान सकते हैं, ठीक है। कैसे कि जैसे हम जिन्हें टच एंड फील कर सकते हैं, हम ऐसे जानेंगे कि टच एंड फील क्या क्या, जैसे अगर आपकी जो हमारी टेंजिबल असेट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे भवन, मशीन, फर्नीचर, मोटर कार, कंप्यूटर, देखिए आप इन सभी को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। जैसे हमारे ये लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं, ये सारी चीजें इनको आप टच भी कर सकते हैं और आप इन्हें टच एंड फील जिसे कहते हैं कि हम देख भी सकते हैं और पहचान भी सकते हैं, ठीक है। तो टेंजिबल असेट्स हमारी वो होती है, ठीक है, जिनका एक भौतिक स्वरूप होता है, जिन्हें देखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी इंटेंजिबल, इंटेंजिबल असेट्स हमारी जस्ट अपोजिट की आप इन्हें देख छू व पहचान नहीं सकते, बस ये आपकी संपत्तियां होती। कैसे होती हैं? जैसे एक कंपनी का ब्रांड होता है, ठीक है, तो एक ब्रांड की या फिर एक कंपनी की रेपुटेशन होती है कि उसके सिर्फ नाम से एक कंपनी का जो ब्रांड होता है, एक नेम होता है, वो अपने आप में उसकी असेट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज एडिडास है, पूमा है, ठीक है, लैक्मे है, मैक है, तो ये कंपनी अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक है, तो इनके नाम से ही प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो क्या ये कंपनी की असेट्स नहीं है कि उनका नाम ही काफी होता है कंपनी को, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए? हम देखते हैं कि हाँ एडिडास का के कपड़े या फिर शूज अच्छे आते हैं, पूमा के अच्छे आते हैं, शूज अच्छे आते हैं, तो अपने आप में एक ब्रांड उनके असेट्स नहीं हो गई है। जैसे एप्पल है, एप्पल का जो मार्क है वो कट एप्पल का, तो वो अपने आप में ट्रेडमार्क जो हो जाते हैं, जो होल मार्क होते हैं कंपनी के, तो ये सब क्या होते हैं? ये कंपनी की इंटेंजिबल असेट्स होती है, इनको आप देख छू नहीं सकते। जैसे एक कंपनी की रेपो होती है, रेपुटेशन होती है कि उसके नाम से माल बिक रहा है, ठीक है, और उसके नाम से ही माल की खरीदी हो रही है कि हाँ ठीक है उस कंपनी का माल बहुत अच्छा होता है, उस ब्रांड का माल। आज हम भी अगर देखते हैं तो हम ज्यादातर ब्रांडेड चीजें लेना पसंद करते हैं कि ब्रांडेड चीजों में क्या होता है, एक बार पैसे लगते हैं पर उसके बाद क्या होता है कि वो चीज अच्छे से चलती है, सालों साल चलती है, यूजफुल होती है हमारे लिए, ठीक है। तो ब्रांड अपने आप में, ब्रांड क्या होता है, एक कंपनी के लिए उनकी असेट्स होती है। एक तो देखो टेंजिबल, एक तो उनका माल हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है, या उनकी अदर असेट्स हो गई, लेकिन इंटेंजिबल क्या होता है, उनकी रेपुटेशन हो गई, उनके ब्रांड का नेम हो गया। अब भौतिक स्वरूप उनका नहीं है, आप उन्हें टच नहीं कर सकते हो, एक कंपनी की रेपुटेशन है, आप उसे टच कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो इंटेंजिबल अदृश्य है, बट उस कंपनी की असेट्स है। आज अगर उस कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाती है किसी भी वजह से, मान लो जैसे आज एडिडास है, पूमा है, लैक्मे है, इनके प्रोडक्ट्स काफी सेल होते हैं, आज किसी भी कंडीशन में मान लो इनकी कुछ भी ऐसा होता है कि मान लो लैक्मे एक कंपनी अच्छी, उसका उसकी अगर रेपुटेशन खराब हो जाती है, उसके लिए नेगेटिव चीजें आने लग जाती हैं, तो फिर क्या होगा, क्या उस प्रोडक्ट के, उस ब्रांड के चीजें लेना हम पसंद करेंगे?
नहीं करेंगे, हम नहीं लेंगे कि हमारे माइंड में वो थिंक आ जाएगी कि कंपनी इसके प्रोडक्ट्स अब अच्छे नहीं आते हैं। रेपुटेशन, एक रेपुटेशन बहुत बड़ी असेट्स होती है कंपनी की। रेपुटेशन से ही आगे, जैसे बोलते हैं ना कि बिजनेस चलता है, रेपुटेशन बहुत बड़ी चीज होती है। ब्रांड नेम, ब्रांड तब जाके बनता है, पहले कंपनी की रेपुटेशन बनती है। जैसे आज सभी लोगों के दिमाग में एक प्रोडक्ट्स को लेकर एक रेपुटेशन है कि हाँ आप उस कंपनी के, उस ब्रांड की चीजें लीजिए, वो अच्छी आती है, अच्छी चलती हैं। तो वो रेपुटेशन अपने आप में उनकी असेट्स होती है कि उनके नाम से माल बिकता है। तो इंटेंजिबल टेंजिबल में ये है कि जिन असेट्स को आप देख छू सकते हैं वो टेंजिबल, और इंटेंजिबल जिन्हें, जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, लेकिन उनके सिर्फ नाम से, उनकी सिर्फ, जैसे जो होता है ना कि संपत्ति है कि आप उन्हें देख छू नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप में वो उनके लिए असेट्स है कि सिर्फ उनके नाम से उनके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, उनका बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, उनका कंपनी आगे ग्रो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा करंट असेट्स। तो ऐसी संपत्तियां, देखो करंट क्या होती है कि ऐसी संपत्तियां जो एक लेखांकन अवधि में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, यानी थोड़े ही टाइम में जब हम चाहें। देखो चल संपत्तियों को अस्थाई, परिवर्तनशील, चालू संपत्तियां, इन नामों से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये चल ऐसे होती है कि हम जब इन्हें चाहें हम इन्हें करंट यानी हमारे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, देखो रोकड़ शेष। तो रोकड़ शेष क्या होता है हमारा, जो हमारे पास कैश बचा हुआ है या जो हमारे डेटर्स होते हैं बैंक में, जो हमारा कैश होता है, जो हमारे बिल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो करंट असेट्स क्या होती है, जो एक टाइम पीरियड के अंदर, एक साल के अंदर करंट असेट्स जो हमारी चल संपत्तियां जो कहलाती हैं जितनी भी, जो एक टाइम में नगद में कन्वर्ट हो जाए। जैसे हमारे डेटर्स होते हैं देनदार, तो देनदार के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमें पैसे देंगे वो हमारे देनदार कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हमें मान लो अगर उन्होंने हमें पैसे दिए, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पैसे बढ़ेंगे, हमारी असेट्स बढ़ जाएगी। ठीक है, संपत्तियां हमारी बढ़ जाएंगी। वहीं अगर हमने मान लो उन्होंने सारे पैसे दे दिए, ठीक है, तो हमारे डेटर्स खत्म। ठीक है, तो हमारी करंट चल संपत्तियां, एक तो प्लीज ये लाइन मत कीजिए स्क्रीन पे, रूपा देवलकर कौन है ये, प्लीज स्क्रीन पे लाइनिंग मत कीजिए वरना स्क्रीन दोबारा शेयर करनी पड़ेगी, ये फिर क्लीन भी नहीं होंगे। ठीक है, करंट असेट्स हमारी वो होती हैं जो एक लेखांकन अवधि के अंदर जो हमारे कैश में बदल जाए। जैसे जो हमारे देनदार हैं, अगर हमारे वो संपत्तियां ही कहलाती हैं, उनके पास हमारे पैसे हैं डेटर्स के रूप में, लेकिन जब हम चाहे हम उन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करंट असेट्स क्या होती है, जो एक फाइनेंशियल टाइम के अंदर, जो जिसे बोलते हैं ना लेखांकन अवधि, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर। देखो हम इसे करंट असेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि घटती बढ़ती रहती है। देखो कैश रोकड़ शेष जो हमारे पास है, यानी हमारे पास कैश रखा हुआ, कैश को हम करंट असेट्स में क्यों काउंट करते हैं। मान लो हमने परचेस की, हमने हमारे कंपनी के लिए माल खरीदा, ठीक है, तो क्या होगा, हमने परचेस की है तो क्या होगा कि हमारा कैश कम हो जाएगा। वहीं अगर हमने सेल कर दी है तो क्या होगा, हमारा कैश बढ़ जाएगा। ठीक है, तो करंट असेट्स में क्या कि एक लेखांकन अवधि के अंदर अगर हम उसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अस्थाई चालू संपत्ति हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि घटती बढ़ती रहती है, स्थाई नहीं रहती है। ठीक है, डेटर्स हैं, अगर वो हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, वही अगर हमारे उन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो हमारे डेटर्स खत्म हो गए। ठीक है, कैश फिक्स हो गया। ठीक है, हमारे बैंक में पैसे हैं, उनको हम जब चाहे हम कैश करवा सकते हैं, कैश निकाल लिया, कैश में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो करंट असेट्स जिन्हें आप जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमारी करंट असेट्स कहलाती है। फिक्स्ड असेट्स अचल संपत्तियां। ठीक है, अचल संपत्तियों में हमारी ये सब संपत्तियां आती हैं। देखो अचल संपत्तियों को ऐसे समझे आप कि जिनकी वैल्यू ना एक साल तक फिक्स रहती है, एक साल तक। देखो फिक्स्ड असेट्स में क्या क्या, जैसे फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कार, ये सारी चीजें हमारी किसमें आती है, फिक्स्ड असेट्स में।
नॉर्मल कंडीशन में फिक्स्ड असेट्स की सेल नहीं की जाती है, उन्हें बेचा नहीं जाता है। फिक्स्ड असेट्स कौन कौन सी होती हैं, जिनका जिनको क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिनकी एक साल तक वैल्यू फिक्स रहती है, सेम रहती है। देखिए अगर हम फोन भी खरीदते हैं, लैपटॉप भी खरीदते हैं, तो एक साल तक, देखो चार पांच साल की तो अगर मान लो हमने एसी भी खरीदा है मान लो, तो दो तीन साल तक की तो क्या होती है कि उसकी क्या आती है, गारंटी आती है। तो हम क्या करते हैं, एक साल तक जो हमारी ये चीजें होती है इनकी वैल्यू फिक्स रहती है, कम नहीं होती। अब लाते अगर वो गिर जाए टूट जाए तो बात अलग है, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। मान लो फर्नीचर है, फोन है, लैपटॉप है, एसी है, ये सारी चीजें हम जानते हैं कि कम से कम मिनिमम एक साल तक तो इनकी वैल्यू फिक्स रहती है, इतनी ही रहती है। फिर क्या होता है, हम व्यवसाय में क्या करते हैं धीरे धीरे फिक्स्ड असेट्स के साथ, कि हम पर ईयर जब हम यूज जितना जितना यूज करते हैं उसमें से उतना उतना पैसा कम करते जाते हैं। मान लो मैंने एक फोन 10,000 का खरीदा, मैंने उसे एक साल यूज कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद मैंने उसका मान लो 2,000 का यूज कर लिया, तो नेक्स्ट ईयर जब मैं टैली में फोन की उस फोन की एंट्री करूंगी तो मैं कैसे करूंगी, 10,000 में से 2,000 लेस करके 8,000 से उसकी एंट्री करूंगी। तो फिक्स्ड एसेट्स को आप ऐसे समझे कि जो स्थायी संपत्तियां होती है, नॉर्मल कंडीशन में बेची नहीं जाती है, ठीक है। और क्या जो हम हमारे संपत्ति, हमारे जो व्यवसाय के उपयोग के लिए जिन्हें खरीदते हैं वो हमारी संपत्ति होती है, ठीक है, उपयोग के लिए, व्यवसाय के उपयोग के लिए खरीदते हैं, व्यवसाय में लाभार्जन करने के लिए खरीदते हैं, ठीक है, व्यवसाय के उपयोग के लिए, लाभार्जन के लिए जो हम खरीदते हैं वो हमारी असेट्स होती है, ठीक है, और बेचने के उद्देश्य से जो खरीदते हैं वो हमारे माल होता है। तो दोनों में फर्क होता है, व्यवसाय के उपयोग के लिए अगर आप खरीद रहे हैं तो वो आपकी संपत्तियां हैं, अगर आप बेचने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं वो आपका माल है, पर्सनल उद्देश्य से खरीद रहे हैं तो वो ड्रॉइंग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग चीजें हैं संपत्तियां हैं, अगर पर्सनल के लिए खरीदते हैं तो ड्रॉइंग में चले जाएगा, बेचने के उद्देश्य से अगर खरीद रहे हैं आप तो वो क्या होगा, वो माल होगा, और अगर यूज के लिए खरीद रहे हैं तो फिक्स्ड असेट्स हो जाएगी। फिक्स्ड असेट्स मोस्टली यही होती है, जैसे भवन हो गया, बिल्डिंग, कार, लैंड, ठीक है, या फिर ये इलेक्ट्रिक फिटिंग हो गई आपकी, ठीक है, एसी, लैपटॉप, फोन, कंप्यूटर, ठीक है, ये सब हमारी फिक्स्ड असेट्स होती हैं जिनकी वैल्यू एक साल तक फिक्स रहती है, मिनिमम एक साल तक फिक्स रहती है, ठीक है। किसी का कोई डाउट है असेट्स के टॉपिक में, टेंजिबल, इनटेंजिबल, करंट, फिक्स्ड में? फोन यूज का एग्जांपल मतलब है कि फोन भी हमारी फिक्स्ड असेट्स में आती है। देखो क्या होता है ना कि कंपनी, आपने बहुत सी कंपनी देखी होंगी जो अपने जो एम्प्लॉइज है उनको फोन्स भी देती हैं, लैपटॉप भी देती हैं, तो वो कंपनी की असेट्स होती है, कंपनी की संपत्ति होती है। आज मुझे भी रीड इंडिया की तरफ से लैपटॉप मिला हुआ है तो वो मेरे लिए रीड इंडिया की असेट्स है, संपत्ति है, वो मेरी संपत्ति नहीं है, लेकिन संपत्ति है ना, व्यवसाय की संपत्ति है, रीड इंडिया की संपत्ति है ना वो। तो ऐसे कुछ कंपनी फोन भी देती हैं अपने एम्प्लॉइज को, ठीक है, तो वो उनकी असेट्स कहलाती है, उनकी फिक्स्ड असेट्स कहलाती है। देखो फोन की भी वैल्यू एक साल से पहले कम नहीं होती है, अगर आप लाते ही उसे उसकी वैल्यू खत्म कर दे तो बात अलग होती है, बाकी वैल्यू खत्म होती नहीं है, फिक्स्ड असेट्स में आता है। देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि आप व्यवसाय के यूज के लिए खरीद रहे हैं तो वो सब आपकी संपत्तियां कहलाएंगी, अगर आप बेचने के उद्देश्य से, देखो फोन भी माल हो सकता है, अगर मेरा फोन का बिजनेस है तो फोन मेरी संपत्ति नहीं, मेरा माल कहलाएगा, क्यों, क्योंकि मैं उसे बेचने के उद्देश्य से खरीद रही हूँ। अभी मैं आपको फर्नीचर को असेट्स बोल रही हूँ, फिक्स्ड असेट्स बोल रही हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर मेरे लिए मेरा माल हो जाएगा, कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर माल हो जाएगा। देखो बेचने के उद्देश्य से आप जिसको खरीद रहे हैं वो आपका माल है, अगर व्यवसाय के उपयोग के लिए आप खरीद रहे हैं तो वो आपकी असेट्स कहलाती है, आपकी संपत्ति कहलाती है, पर्सनल यूज के लिए अगर खरीद रहे हैं तो वो ड्रॉइंग में जाता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बताइए, लाइबिलिटीज क्या होती है, सिर्फ लाइबिलिटीज के बारे में बताइएगा। एक्सपेंसेस,
मैम लायबिलिटी में कर्जा. लायबिलिटीज मींस कर्जा. मैम लेनदार होते हैं. मींस जिम्मेदारियां. हाँ यस. कंपनी का कुछ खर्च मैम. मैम लायबिलिटीज है मैम. केबल है मैम. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है. ये सब लायबिलिटीज में आती है. मतलब हम डेबिट लेनदार हो जाते हैं मैम लायबिलिटीज. और जैसे हमने सप्लायर से हमने क्रेडिट पे हमने अपना माल परचेज किया है और हमने उसको अभी पैसे पे नहीं किया, तो हमारी लायबिलिटी है कि हम इसे बाद में पे करना है. ये एक एग्जांपल. देखो लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व. दायित्व मीन्स हमारी जिम्मेदारियां कि हमारे ऊपर. देखो अगर व्यवसाय में हमारे पास असेट्स होती है, हमारी संपत्तियां होती हैं, तो हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं. जैसे असेट्स क्या होती है, असेट्स के असेट्स हमारी संपत्ति, हमारा प्रॉफिट कमाने का एक सोर्स होता है. लायबिलिटीज मीन्स जिम्मेदारियां, यानी आपको पे करना है. देखो व्यवसाय में जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जहां आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है. जैसे अगर जैसे हमें सैलरी पे करनी है अपने एम्प्लॉयज को, हमारी जिम्मेदारी है. ठीक है, अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो हमें टाइम पे हम उनकी इंस्टॉलमेंट पे करें, हमारी जिम्मेदारी है. ठीक है, अगर हमने किसी से उधार माल खरीदा है, हमारे लेनदार हैं, क्रेडिटर्स हैं, तो हम उन्हें टाइम पे पेमेंट कर पाए, हमारी जिम्मेदारी है. ठीक है, हमारी लायबिलिटीज बनती हैं वो. तो देखो क्या होता है, ये लैंग्वेज पढ़ते हैं. व्यवसाय की संपत्तियों के विरुद्ध स्वामी तथा बाह्य पक्षकारों के दावे दायित्व कहलाते हैं. जैसे लेनदार, देय बिल, ऋण बैंक, अधिवर्तकर्ष, अदत्व, पूंजी इत्यादि. देखो क्या होता है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारी जो व्यवसाय है, मान लो व्यवसाय की संपत्तियों के विरुद्ध, मान लो व्यवसाय पे ही हमने लोन उठा रखा है या व्यवसाय की संपत्ति जो है उन पे हमने लोन ले रखा है, तो क्या होगा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें पे करें. ठीक है, अगर हमने लोन लिया है तो हमें इंस्टॉलमेंट देनी है, या हमने अगर किसी से पैसे दिए हैं, लिए हैं, तो हमें इंटरेस्ट पे करना है. तो कुल मिला के आप ऐसे समझे कि हमें देना है, हमें पे करना है. लायबिलिटीज का मतलब जिम्मेदारियां है हमारी, हमें चुकाने हैं, हमें देने हैं पैसे. ठीक है, लायबिलिटीज में जाते ही हैं पैसे. असेट्स तो हमारी संपत्ति होती है, लेकिन लायबिलिटीज में क्या, ज्यादातर पेमेंट ही होगा. इंटरेस्ट पे करें, इंस्टॉलमेंट पे करें, या किसी से उधार माल लिया है तो उसके पैसे टाइम लिए आप दें. ठीक है, तो लायबिलिटीज हमारे दायित्व, हमारी जिम्मेदारियां. ठीक है, तो दायित्व कौन से, दायित्व भी चार प्रकार के होते हैं. एक्सटर्नल, बाह्य, इंटरनल, आंतरिक, शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन और लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन. ठीक है, तो एक्सटर्नल. ठीक है, ऐसी राशियां जो बाह्य पक्षकारों को चुकानी हो, बाह्य दायित्व कहलाते हैं. इनमें माल के उधार क्रय से संबंधित लेनदार, ऋण से संबंधित लेनदार, जैसे ऐसी राशियां जो बाह्य पक्षकारों को चुकानी हो. बाह्य पक्षकारों से मतलब है कि जो कंपनी से बाहर, मतलब जिनका कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं है, बस इतना है कि हमने उनसे उधार माल खरीद लिया या हमने बाहर से पैसे लिए हैं उधार, जो हमारे लेनदार हैं. तो बाह्य से मतलब है, बाह्य से कि जिनका कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब कंपनी के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस बाह्य है वो, बाहर एक्सटर्नल है. बाहर की लायबिलिटी से मतलब है कि बाहरी जो लेनदार होंगे हमारे कंपनी से बाहर, एक कंपनी में होते हैं, कंपनी में जैसे हमारे एम्प्लॉयज हो गए, या एक कंपनी के लिए क्या, कंपनी के ओनर भी, ओनर के प्रति भी कंपनी की लायबिलिटीज बनती है. कैसे बनती है कि कंपनी के ओनर्स अगर कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि वो उनको पैसे कमा के दे, प्रॉफिट कमा के दे, सॉरी प्रॉफिट अर्न करे कंपनी, व्यवसाय उनके लिए, उनके कैपिटल के बदले उन्हें प्रॉफिट अर्न करके दे. ठीक है, एम्प्लॉयज को सैलरी देना, ठीक है, आपका प्रॉफिट शेयर करना, ये सारी क्या, ये कंपनी के ओनर्स के प्रति या कंपनी के एम्प्लॉयज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं कंपनी के अंदर, इंटरनल वो कहलाती है इंटरनल लायबिलिटीज. और जो कंपनी के बाहर, कंपनी के बाहर जो हमारे लेनदार है, मान लो हमने उधार माल खरीदा है किसी व्यापारी से, या हमने बैंक से लोन ले रखा है, या हमें बैंक में चुकाने हैं, बैंक में, या अदर हमने मार्केट से पैसा उठाया हुआ है, या किसी व्यक्ति से उधार पैसा लिए हुए, तो ये सब कंपनी के बाहर
यानी जिनका कंपनी के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो सब एक्सटर्नल होते हैं बाहर, और जिनका कंपनी में इन्वॉल्वमेंट होता है जैसे कंपनी के ओनर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज, उनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां बनती है वो हमारी इंटरनल होती है। एक्सटर्नल जो कंपनी के बाहर के लेनदार जो होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल होते हैं, और जो कंपनी के अंदर के होते हैं वो इंटरनल होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल में इतना है कि कंपनी के बाहर जिनका कंपनी के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बाहर लेनदार होते हैं, उधार माल खरीद लिया या हमने उधार पैसे ले रखे हैं, तो वो हमारी एक्सटर्नल बाहरी दायित्व बनते हैं, लाइबिलिटीज बनते हैं कि हम उन्हें पे करें, टाइमली इंटरेस्ट दें, या अगर बैंक से लिया है तो हम टाइमली इंस्टॉलमेंट पे करें। ठीक है, और इंटरनल क्या होता है कि कंपनी के अंदर जैसे ओनर्स एम्प्लॉयज को टाइमली हमें सैलरी देनी है, प्लस अगर कंपनी के ओनर्स हैं उनको प्रॉफिट देना है हमें अर्न करके, जो कंपनी कंपनी का दायित्व बनता है, कंपनी का व्यवसाय का खुद का, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कैपिटल के बदले वो हमारे जो कंपनी के ओनर्स हैं व्यवसायी हैं उनको हम प्रॉफिट कमा के दें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। ठीक है, अल्पकालीन या दीर्घकालीन, देखो दायित्व शॉर्ट टर्म से मतलब है कि वो दायित्व जो कम अवधि के लिए हो, एक छोटे टाइम के लिए हो, कैसे, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है कितने टाइम के लिए होता है, एक महीने या दो महीने के लिए होता है। ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी कब तक होगी हमारे ऊपर, दो महीने तक, जब तक हम उसे पे नहीं कर देते, हमने पे किया हमारी जिम्मेदारी खत्म, पानी का बिल हो गया या फिर और कोई बिल हो गया हमारा, जो जैसे कोई हमने और कोई चीज खरीदी है उसका बिल, मतलब ऐसी जिम्मेदारियां जो हमें कम टाइम तक वहन करनी हो, जिसकी जिसकी लाइबिलिटीज जिसका दायित्व हमारे ऊपर एक मिनिमम टाइम तक, या मान लो हम किसी से उधार माल खरीद रहे हैं तो वो हमें कितने टाइम का क्रेडिट पीरियड दे सकता है, 7 दिन 10 दिन 15 दिन या मैक्सिमम महीना भर। ठीक है, तो महीने भर बाद तो हमें उन्हें पे करना ही होता है। ठीक है, तो वो क्या, वो हमारी जिम्मेदारी कौन सी होगी, हमारी लाइबिलिटी अल्पकालीन, यानी जो हमें कम समय में हम कम समय तक जो हमारे लिए है उसको बाद हम उसे पे कर देंगे। जैसे ऐसे दायित्व जिनका भुगतान अल्प अवधि में करना होता है, यानी कम टाइम में हमें जिनका भुगतान कर देना होता है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, कितने कम टाइम में, एक महीने में हमें उसे पे कर देना होता है, या हमने कहीं से उधार माल खरीदा है तो वो भी हमें कम टाइम, एक महीने का मैक्सिमम टाइम देते, एक महीने का भी नहीं देते, 7 दिन का या 15 दिन का होता है क्रेडिट पीरियड, सबसे ज्यादा तो 15 दिन, 15 दिन से ज्यादा कोई टाइम नहीं देता है। हाँ, अगर आपका व्यवहार अच्छा ऐसा कुछ है तो वो लोग अगर दे देते हैं, वरना मोस्टली व्यापारियों में यही होता है कि वो क्रेडिट पीरियड या तो 7 दिन का देते हैं या 15 दिन का देते हैं। ठीक है, उसके अंडर आपको, तो वो जिम्मेदारी आपने जैसे ही पे किया आपकी जिम्मेदारी खत्म। देखो, एक होता है लॉन्ग टर्म, जो जिम्मेदारी जो दायित्व हमें सालों साल वहन करना होता है, मोस्टली इसमें आता है बैंक लोन। तो हम देखते हैं कि अगर जैसे हम घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो वो लोन सालों साल चलता है, 10-15 साल 20 साल तक भी लोग वहन करते हैं उसे, अगर अच्छे पैसे लिए हैं, मतलब ज्यादा पैसे लिए लोन। तो आपने देखा होगा कि बैंक लोन जो भी व्यक्ति लेते हैं वो उन्हें सालों साल तक वहन करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स जाती रहती हैं, सैलरी में से कटती रहती हैं, पेंशन में से कटती रहती हैं, बट वो चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है 2 महीने 2 साल में वो खत्म हो जाती हैं। तो देखो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये होता है कि वो लाइबिलिटीज जो हमें एक कम अवधि तक, यानी एक छोटे टाइम के लिए वहन करनी होती है, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म होती हैं, और वो दायित्व जो हमें सालों साल, यानी एक दीर्घकालीन अवधि, यानी एक लंबे टाइम तक वहन करने हो, लंबे टाइम तक निभाने हो, वो हमारे होते लॉन्ग टर्म, जिसमें सबसे ज्यादा तो आते बैंक लोन बैंक ऋण। ठीक है, इनको लिया जाता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, दीर्घकालीन दायित्व जिन्हें हम कहते हैं, शॉर्ट टर्म जो कम अवधि के लिए होते हैं, छोटे टाइम के लिए हमारे जो दायित्व होते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं, एक जो लंबे टाइम के लिए यानी जो सालों साल तक हमें वहन करने होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालीन दायित्व कहलाते हैं। तो देखो, एक्सटर्नल जो कंपनी के जो बाहर के लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है, लेनदार होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल, कंपनी के अंदर के लोगों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी होती है एम्प्लॉयज और ओनर्स के प्रति, तो वो हमारे इंटरनल होते हैं। शॉर्ट टर्म कम अवधि के लिए जो हमारे दायित्व होते हैं अल्प अवधि के लिए, वो हमारे शॉर्ट टर्म दायित्व कहलाते हैं। लॉन्ग टर्म एक लंबे समय के लिए जो हमें हमारे लंबे टाइम के लिए जो हमारे दायित्व होते हैं लॉन्ग टर्म दायित्व, वो हमारे दीर्घकालीन दायित्व कहलाते हैं, जो हमें लंबे टाइम तक पे करने होते हैं, सालों साल वहन करने होते हैं। ठीक है, तो ये लाइबिलिटीज का टॉपिक है। देखिए,
लाइबिलिटीज इट मींस हमारे जो दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है. देखो लाइबिलिटीज जहां है वहां आपको पे ही करना है. अब ऐसे अगर अपनी जनरल जो नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको कहूँ कि जिम्मेदारी है, इट मींस आपको पे करना है, चाहे वो एम्प्लॉइज के प्रति हो, लोन देना हो, इंटरेस्ट पे करना हो. लाइबिलिटीज में आएगा तो पेमेंट करना है, सीधा सा ये होता है कि हमें पे करना है. लाइबिलिटीज, जिम्मेदारी, दायित्व, ठीक है. तो दायित्व क्या होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल, यानी जो कंपनी के बाहर के जो लोग होते हैं, जैसे मैं हूं, मेरा ठीक है व्यवसाय है, मेरा मान लो कंप्यूटर का व्यवसाय है, ठीक है. तो मान लो मैंने एक बाहरी व्यक्ति, मान लो किसी का होलसेल का व्यापार है, ठीक है, मेरा व्यापार है, मैंने उनसे उधार माल खरीद लिया, मेरे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं थे सारे पैसे देने के लिए, तो मैंने उन्हें बोला कि मैं आपको बाद में पे करती हूँ, अभी आप मुझे माल दे दीजिए, ठीक है. तो मैं उनसे उधार माल लेकर आ गई, तो वो मेरे मुझसे बाद में पैसे लेंगे, तो वो मेरे लिए क्या हो गए, मेरे लेनदार हो गए, ठीक है. तो मुझे उन्हें पैसे देने हैं, बाद में देने हैं, लेकिन देने तो हैं, तो वो मेरे लेनदार. अब उनका बताइए कि उनका मेरी जो कंपनी है, मेरा जो व्यवसाय है, उसमें क्या लेना देना है. कोई लेना देना नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस इतना है कि मैंने उनसे उधार माल खरीदा है और मुझे उनको वापस देना है. अब अगर ऐसे होता कि मान लो मैंने मेरी कंपनी के शेयर निकाल रखे थे, ठीक है, उन्होंने शेयर बाई कर रखे हैं, या उनका कोई पार्टनरशिप है मेरी कंपनी में, या वो जिनसे मैंने लिया है, अगर उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो इंटरनल में आ जाते हैं, ठीक है. एक्सटर्नल जिनका कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं है, बस इतना है कि बाहरी लेनदार है वो, या फिर मान लो जैसे मेरा, मान लो मेरे साइड में एक और व्यवसाय है, मान लो मेरे को जरूरत पड़ी, मैंने उनसे उधार पैसे ले लिए, मान लो कंपनी में मुझे माल परचेस करना था, उस टाइम मेरे पास अवेलेबल मनी नहीं थी, मैंने उनको बोला कि आप मुझे अभी के लिए कुछ उधार पैसे दे दीजिए. तो आप बताइए कि एक मेरे जो साइड में जिनका व्यवसाय है, उनका मेरी कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं है, बस इतना है कि मैंने उनसे उधार पैसे लिए, तो वो मेरे लिए मेरे लेनदार हो गए, जब भी मेरे पास अवेलेबल होंगे या जो उन्होंने मुझे टाइम दिया होगा उसके अंडर मैं उनको पे कर दूंगी, ठीक है. तो जिनका कंपनी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट हाँ अगर उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, कैसे बन सकती है, या तो उधार माल खरीदा हो या मैंने उनसे उधार पैसे लिए हो, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है क्योंकि वो मेरे लेनदार हो जाते हैं, ठीक है. तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो जाती है. इंटरनल में क्या होता है, जो कंपनी के अंदर, जैसे मेरी कंपनी मान लो मेरी साझेदारी फर्म है, ठीक है, यानी 4-5-7 उसमें ओनर्स है, कंपनी के साझेदार है, पार्टनर्स है, उन्होंने कैपिटल लगाई 2-2 लाख या 3-3 लाख जितनी भी उन्होंने लगाई है, उससे व्यवसाय शुरू हुआ है, तो व्यवसाय का ये, व्यवसाय की लाइबिलिटी बनती है ये कि वो अपने कंपनी के ओनर्स को प्रॉफिट कमा के दे, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करे उनके लिए, ठीक है. तो प्लस जैसे एम्प्लॉयज है मेरी कंपनी के अंडर, तो मैं उन्हें टाइमली सैलरी पे करूं, ठीक है. तो ये मेरी इंटरनल, जो मेरे कंपनी के अंडर जो इन्वॉल्व है, जो मेरी कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं, जिनका कंपनी में इन्वॉल्वमेंट है, वो सब इंटरनल, उनके प्रति अगर मेरे लाइबिलिटीज बनती है, उनके प्रति मेरे दायित्व बनते हैं, तो वो मेरे इंटरनल दायित्व कहलाएंगे, ठीक है. शॉर्ट टर्म, ओके, शॉर्ट टर्म जो थोड़े कम टाइम के लिए होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, और जो ज्यादा टाइम के लिए होते हैं, सालों साल चलते हैं, वो लॉन्ग टर्म होते हैं. मैम जैसे कैश इन हैंड, ये हमारा कौन सा एसेट होगा मैम? करंट एसेट्स होगी, करंट एसेट्स, क्योंकि कैश इन हैंड क्या होता है, कैश इन हैंड हमारा कैश होता है, रोकड़ शेष जिसे हम बोलते हैं ना, वो हमारा कैश इन हैंड ही होता है. कैश इन हैंड हो गया या बैंक. अब देखिए आप बस ऐसे देखिए कि जिससे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे देनदार होते हैं, ठीक है, या हमारा कैश इन हैंड होता है, बैंक में जो मनी होती है, ये सब करंट असेट्स होती है. जो हमारे जैसे फर्नीचर्स वगैरह होते हैं, स्थाई संपत्तियां जिन्हें हम कह सकते हैं, वो सब हमारी फिक्स्ड असेट्स होती है, ठीक है. असेट्स का टॉपिक देख लेते हैं. ओके, असेट्स में और किसी को, देखो टेंजिबल इंटेंजिबल में तो कोई डाउट्स होने ही नहीं चाहिए. देख छू सकते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल जिन्हें हम देख छू नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप पे वो असेट्स होती है, जैसे कंपनी का होल मार्क, ट्रेडमार्क, कंपनी की रेपुटेशन, ये सब किस में आती है, इंटेंजिबल में आती है. करंट जो एक टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है. फिक्स्ड स्थाई संपत्तियां जिन्हें हम कहते हैं, जो जिनकी वैल्यू बहुत जल्दी खत्म नहीं होती है, एक साल तक फिक्स रहती हैं, ठीक है. कैपिटल का और ड्राइंग का क्लियर है. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू मैम. बाय.